गंगोह में चले लाठी डंडे, महिलाओं सहित कई लोग हुए घायल। मामूली कहा सुनी में एक ही परिवार में हुआ खूनी संघर्ष। गंभीर अवस्था में घायल एक ही पक्ष के 3 लोगों को किया हायर सेंटर रेफर। बता दें कि जनपद सहारनपुर के कस्बा गंगोह के मोहल्ला गुलाम औलिया में एक ही परिवार के आपसी पैसों के लेन देन को लेकर उपजे मामूली विवाद में आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि छोटा सा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और खूब लाठी डंडे चलने से 4 महिलाओं सहित कुल 7 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही गंगोह पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को गंगोह CHC में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर मेहरबान ने घायलों के उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल आरिफ आयशा शमशीदा को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों को भी घायल बताया जा रहा है, जिनका इलाज गंगोह CHC में चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष की ओर से गंगोह थाने में तहरीर दे दी गई है। क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? मामला ये हुआ जी, कभी हमारा 6 महीने पहले हमारा पार्टनरशिप रही थी दोनों भाइयों की, है जी। वो मैंने पैसे लगा रखे थे जी, उनमें 10 आदमियों हमारी इनने हमारा पिट्टी भी करी, सब कुछ करा जी, लेकिन 10 आदमियों में फैसला ये हो गया, इसने मेरे पैसे से ही ट्रैक्टर भी अपने नाम करवा ले। चलो जब भाई चला आता था तो कुछ होता, ट्रैक्टर भी नाम करवा लिया और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ते में दे दूँगा जी, इसके ट्रैक्टर के कागज भी दे दूँगा और इसका जो बकाया है वो पैसे भी दे दूँगा। लेकिन आज 7-8 महीने हो गए, ना मेरे पैसे और ना मेरे ट्रैक्टर के कागज। 6 महीने से ट्रैक्टर तो मेरे पे ही है, ट्रैक्टर टैंकर, बाकी मेरे कागज नहीं दे रहा। अच्छा आज क्या हुआ किसी? आज क्या हुआ, हम सब में तो पड़ा हुआ था लोगों के साथ मारपीट, दहलेट और पूरी तैयारी के साथ वो गए थे, पूरी सारी तैयारी के साथ हुए थे। कितने लोगों के चोट हैं? ये देखो, ये भाई लड़कियाँ पड़ी है, घर पड़ी लड़की, उन्हें तो कहते हैं कि उसे भी लाते, एक सारी लड़कियों को मार रखी जी। कितनी लड़कियाँ हैं आपके? 4 लड़कियाँ मेरे। था बाग में सुलझ गया था 10 आदमियों में, हमारे इन्हें वही मार छेकता था, चलो 10 आदमियों ने वही फैसला कर दिया था। हमारे ट्रैक्टर टैंकर है, उसके कागज उनने का वही दे दूंगा, हमारे पैसे हैं कि मैं बाग बेंचू खड़ा या मैं खुद निमता हूँ, मैं बाग में से आके सारा पैसा दे दूंगा। उनने ना तो दिए हमारे पैसे और ना हमारे टैंकर के ट्रैक्टर के कागज दिए। मैं भी तीनों बाप कुत्ते ने छेकता था और आज पंचों ने छेकता। तुम्हारा नाम क्या है और किस वार्ड से हो? गुलाम मोली ऐसा अली मस्जिद। उन वो लोग कौन थे? वो मेरे देवर है, मैं तो मेरा देवर के बच्चे हैं, हर दुरानी है। सादा सादा जी, तो क्या मामला हुआ है आज? हम तो कॉलेज से आए थे। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? HR इंटर कॉलेज। HR इंटर कॉलेज जी। कौन सी क्लास में? 10 जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये सुबह क्या मामला हुआ आपके साथ? हम तो कॉलेज से आए हैं अंकल जी, वो जो हुआ मैं तो लड़ाई दिखती है, मम्मी को बजा रखी थी हमारी, मैं तो इतना ही बताए बस जी। सुल्ताना जी। अच्छा आज जो झगड़ा हुआ है किस बात को लेकर हुआ है? भैया झगड़ा तो 2-3 महीने से चलता आ रहा। किस बात को लेकर? भाइयों के आपस में बाग बुग के कारोबार के चक्कर में मुझे दुश्मन मानने ज्यादा। अच्छा आज ये खुन्नम खून लहू लोहा आज किस बात को लेकर? ये इस बात को लेकर है जी, रात पीपा के गाली गलौज करी उन्होंने बहुत ज्यादा, हम बोल रहे ही नहीं तो सुबह बच्चे कॉलेज चले गए, मैं अकेली थी तो क्या अकेले आ घर में पर पा गए, मुझे मारी बहुत ज्यादा, छोटी बच्ची है घर में, उसकी आज छुट्टी आ रही है कन्या में पड़े हुआ, उनने फ़ोन करके नहीं बुलाए पापा को, फिर बच्चे आए तो सारे तैयार बैठे थे, जैसा ही आए इन्हें भी सबको एक तरफा में उन्होंने तीनों भाइयों ने और सारे बच्चे बुच्चे उनके सब ने बहुत ज़्यादा लट बजाया खड़ा, किसी ने नहीं छुटाया बीच में घुस के, सब एक हो रहा है तीनों भाई, बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आजम है। मामला यह हुआ, इनका जो इन्होंने भाई ने बताया, इनका लेन देन का मसला था, उनके पैसे उन्होंने दिए नहीं, ऊपर से बदमाशी सबकी दी बेटियों गाली देनी, हम छूट छुटाओ में गए, ये देखो
हमारी एक भाभी वो भी छोटा छोटा में थी, उसकी बात तोड़ रखी है। देखो ये देखो जो ये देखो ये मार रखे छत्ती में, ये देखो लो छत्ती अपने साथ एक लटियो लगा। देखो हम तो जी घर में पड़े थे अपने, और रात की बात को लेके हमारे घर में को निकट गए हैं मैं, और इनकी तरफ जाकर मार पिटाई करने लग गया। रात की हमने तहरीरी भी दे रखी है, उसमें एक आदमी निन्ना भी है शामिल, उसने उसकी रात तहरीर दी थी, उसने रात इसके पैसे काटे हमारे भाई के 1,20,000 रुपये, उसकी हमने रात की तहरीर दे रखी है। उसी रंजिश के ऊपर हमारा भाई सुबह उसकी बदल उसका पक्ष ले गए, उसकी बदल लड़ना आया, कच्ची पक्की गाली को उतार करी, मौके का फायदा उठाया, इन पर लड़कियों पर हमला कराया। देखो आपके सामने आया सबके सिर फोड़ रखे। मोहम्मद आजम मैं भाई हूँ जी इसका, हम छोटे छोटे में थे, हमारी एक भाभी है, मेरी घरवाली की शादी मार पिटाई करी, वो भी घर है। दो पक्षों में झगड़ा हुआ है और कितनी चोट है, इनका नाम क्या है, कहाँ गए हैं ये? अभी जो है मैं कैजुअल्टी में मेरी ड्यूटी थी, अभी इमरजेंसी में देखा तो कुछ लोग जो है आपस में लड़ाई झगड़े का केस लेके थाने से थ्रू आए हैं। थाने वाले लेके वो हमारे पास लेटर लेके आए, उनको हमने टोटल जो है लगभग हमारे पास जो है 6 पेशेंट के करीब आए हैं, उनमें से हमने जो है 3 को रेफ़र कर दिया है, क्योंकि उनकी हालत गंभीर अवस्था में एग्जामिन करने के बाद कुछ छोटे गंभीर चोटें हैं, उनके लिए जो है एक्सरे जो भी उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सहारनपुर के लिए रेफ़र कर दिया। बाकी कुछ जो पेशेंट हैं वो जो है 2-3 पेशेंट हैं वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है, अब उनकी हालत और कंडीशन की जांच देख करके उनके साथ ऐसे ट्रीटमेंट जो भी होगा उनके अकॉर्डिंग किया जाएगा। जो रेफर किए उनके नाम उसमें जो रेफ़र किए गए उसमें आयशा है, आरिफ है और शमशीदा है, बाकी जो है सुल्ताना और शादा भी अभी ऑब्जर्वेशन में है, उनको ऑब्जर्व करने के बाद उनके जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर रेफर